हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो काफ़ी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि हमें यूजीसी नेट का क्रैश कोर्स प्रोवाइड किया जाए, तो फाइनली हमने अपना यूजीसी नेट का क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है। तो अगर आपको उसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप आई आइकन पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे आपको एक वीडियो मिलेगी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके अंदर हमने हर एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस किया है कि क्रैश कोर्स में आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा, कैसे कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी और उसकी प्राइसिंग। ओके, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें अगर आपको डिटेल में जानना है। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस को कवर करेंगे। अगर आप यूजीसी नेट मैनेजमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल है, तो आप इसको एंड तक जरूर देखें। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सो दैट आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक रिविजनरी वीडियो है, इसके अंदर हम हर एक टॉपिक को डिटेल में कवर नहीं करेंगे बल्कि एक डिटेल्ड ओवरव्यू लेंगे। उसके अंदर हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है और उससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप, इसके अंदर बेसिकली दो चीजें मेजर कवर की गई हैं। सबसे पहले आपका एंटरप्रेन्योरशिप और सेकेंड है आपका स्मॉल बिजनेस। ओके, तो चलिए एक बार इस कोर्स कंटेंट को देख लेते हैं। इसके अगर हम कोर्स कंटेंट की बात करें तो सबसे पहले आपका एंटरप्रेन्योरशिप दैट इज, इसके अंदर बेसिक डेफिनेशंस वगैरह हम देखेंगे। सेकंड आपका टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए, तो टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्ट कैसे पूछे जा सकते हैं, देखिए टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में आपको कोई भी स्टेटमेंट दी जा सकती है जो कि किसी भी एंटरप्रेन्योर के कैरेक्टर्स को डिफाइन कर रहा है और आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से एंटरप्रेन्योरशिप के कैरेक्टर को डिफाइन कर रहा है। ओके, तो हम इसको डिटेल में देखेंगे और उसके अंदर हम ये भी कवर करेंगे कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर आपसे कोई भी स्टेटमेंट दी गई है तो कौन से एंटरप्रेन्योरशिप के कैरेक्टर को डिफाइन कर रहा है। नाउ थ्योरी एंड प्रोसेस थोड़ा सा फैक्चुअल है बट आप इसको भी देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पर्सपेक्टिव से बट आप एक ओवरव्यू ले सकते हैं इसका। नाउ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने साथ या तो पीडीएफ ओपन रखें या अपने साथ एक रजिस्टर रखें सो दैट आप नोट डाउन करते जाइए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, नाउ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप इसके लिए एक मॉडल है, आप उसको देख सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो देखिए आपको एंटरप्रेन्योरशिप और इंटरप्रेन्योरशिप इन दोनों के बीच में क्या क्या मेजर डिफरेंसेस और क्या बेसिस है डिफरेंसेस का, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करके चाहिए। ओके, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, ये कुछ एमर्जिंग ट्रेंड्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, तो आप इसको भी एक बार देख सकते हैं पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। बट अब देखिए अगर हम बात करें वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की तो इनको डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स हैं इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको इसके लिए अपडेटेड रहना पड़ेगा कि क्या क्या स्कीम्स चल रही हैं वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए। ओके, तो हम इसको एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अगला है आपका इनोवेशन इन बिजनेस, तो देखिए अगर हम बात करें इनोवेशन इन बिजनेस की तो यहां से आपसे ये पूछा जा सकता है कि कितने टाइप के इनोवेशन होते हैं, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। आप हम इस मॉडल को डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप के इनोवेशन होते हैं और कौन सी इनोवेशन को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, स्क्रीनिंग ऑफ बिजनेस आइडिया, बिजनेस प्लान एंड फिजिबिलिटी एनालिसिस, बेसिक चीजें पूछी जाती हैं इनसे, आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। एमएसएमई इन इंडिया, देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो। देखिए अगर हम बात करें एमएसएमई की तो यहाँ पे आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्या लिमिट है, किस बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई भी यूनिट माइक्रो है, स्मॉल है या मीडियम एंटरप्राइज है। ओके, तो यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली एमएसएमई की डेफिनेशन में चेंज किया है। यहाँ पे बेसिकली एमएसएमई की डेफिनेशन, जिसकी डेफिनेशन पहले इन्वेस्टमेंट बेसिस पे थी अब वो रेवेन्यू बेसिस पे कर दी गई है। ओके, अगला टॉपिक है आपका सिकनेस इन स्मॉल बिजनेस, तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट हम एक बार देख लेंगे इसको भी। इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस टू स्मॉल इंडस्ट्रीज, ये इंपॉर्टेंट है आपका, देखिए कौन कौन से इंस्टीट्यूशन कैसे कैसे फाइनेंस करते हैं स्मॉल बिजनेसेस को, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के डेफिनेशन की, तो देखिए यहाँ पे हमें डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको ये याद रखिए कि कोई भी एंटरप्रेन्योर को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखिए एंटरप्रेन्योरशिप के कुछ बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं, सबसे पहला रिस्क टेकिंग, इनोवेशन एंड कमिटमेंट, ये तीनों बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो। ओके, दैट इज आपके पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए। ओके, आपके पास इनोवेशन कुछ नया होना चाहिए मार्केट में लाने के लिए, और आपके पास कमिटमेंट होनी चाहिए, दैट इज आप अगर मान लीजिए 1 ईयर 2 ईयर्स तक लॉस एंकर कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हो कि आप एग्जिट कर रहे हैं, आपको उस लॉस को बियर करना पड़ेगा, आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए
तभी आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कमा सकते हैं। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। अगर किसी भी पर्सन में रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, इनोवेशन है एंड कमिटमेंट है, तभी वो एंटरप्रेन्योर बन सकता है। अदरवाइज आपने सुना होगा कि बहुत सारे स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं बिकॉज यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके अंदर कमिटमेंट नहीं होता है, यहाँ पे वो लॉसेस को बियर नहीं कर पाते हैं और वो शॉर्ट टर्म में ही एग्जिट कर जाते हैं। ओके, नाउ अगर हम बात करें एंटरप्रेन्योरशिप की, तो ये दो चीजों से बना हुआ है। सबसे पहले एंटरप्रेन्योर, सेकेंड है आपका एंटरप्राइज। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? आपका पर्सन, और एंटरप्राइज क्या होता है? आपका ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो अगर एंटरप्रेन्योर दैट इज पर्सन है और उसने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किया है तो उसको क्या कहा जाएगा? एंटरप्रेन्योरशिप। नाउ एंटरप्रेन्योरशिप को एजेंट ऑफ चेंज भी कहा जाता है। एजेंट ऑफ चेंज क्यों कहा जाता है? देखिए, कोई अगर मान लीजिए एंटरप्रेन्योरशिप एग्जिस्ट नहीं करेगी तो आप कभी भी मार्केट के अंदर कोई चेंजेस नहीं लेके आ सकते हैं। ओके, एंटरप्रेन्योरशिप ही इनोवेशन करते हैं और कुछ नया स्टार्टअप करके कुछ नया मार्केट के अंदर चेंज लेके आते हैं, तो इसीलिए उनको एजेंट ऑफ चेंज भी कहा जाता है। कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो देखिए, उनका होता है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल का क्या मतलब है? देखिए, एंटरप्रेन्योर्स ये बिलीव करते हैं कि हम मार्केट से इन्फ्लुएंस नहीं होते बल्कि हम मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, तो इसको कहा जाता है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। सेकंड होता है आपका एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल के अंदर क्या होता है? देखिए, जो लोग एक्सटर्नल लोकस में बिलीव करते हैं वो ये कहते हैं कि हम इन्फ्लुएंस होते हैं मार्केट फोर्सेस से, दैट इज एनवायरमेंट से। बट इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल में एंटरप्रेन्योर्स क्या बिलीव करते हैं? कि हम इन्फ्लुएंस करते हैं एनवायरमेंट को। तो आप इस डिफरेंस को क्लियर रखिए। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एंटरप्रेन्योर्स के अंदर लोकस ऑफ कंट्रोल कौन सा होता है, इंटरनल होता है या एक्सटर्नल होता है। ओके, नाउ रिस्क टेकर्स होते हैं, कमिटमेंट होता है, पैशन होता है उनका, इनोवेटिव होते हैं वो। लीडरशिप स्किल्स बहुत ज्यादा जरूरी है कि कोई भी एंटरप्रेन्योर है उसके पास लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए। ओके, विजन होना चाहिए, दैट इज वो अभी कहां पे है, उन्होंने 10 साल बाद या 20 साल बाद कहां पे पहुंचना है। ओके, ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स होनी चाहिए, दैट इज ऑर्गेनाइज करना उनको अच्छे से आना चाहिए। ओके, तभी वो एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। नो SVO एनालिसिस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देखिए यहाँ पे जो आपका एंटरप्रेन्योर होता है वो होता है सब्जेक्ट, एंटरप्रेन्योरशिप आपका वर्ब है और एंटरप्राइज आपका ऑब्जेक्ट। ओके, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, तो देखिए अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की तो इसको बहुत सारे बेसिस पे डिफाइन किया जा सकता है, बट क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है हम केवल उसी को डिस्कस करेंगे। देखिए अगर हम बात करें टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की तो यहाँ पे हम टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स को बिजनेस के बेसिस पे भी डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर और मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्रेन्योर। तो ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? जो ट्रेड में इन्वॉल्व होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। टेक्नोलॉजी के बेसिस पे बात करें तो टेक्निकल होते हैं आपके और नॉन टेक्निकल होते हैं। तो देखिए टेक्नोलॉजिकल एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? जो बेसिकली टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करते हैं, और जो नॉन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करते हैं वो नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर हो जाएंगे। ओके, ऑनरशिप के बेसिस पे बात करें तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, स्टेट एंटरप्रेन्योर एंड जॉइंट एंटरप्रेन्योर होते हैं आपके। सो देखिए अगर हम बात करें जॉइंट एंटरप्रेन्योर की तो इसके अंदर आपके प्राइवेट प्लस स्टेट ये दोनों आ जाएंगे। जेंडर के बेसिस पे मेन एंटरप्रेन्योर है, वुमेन एंटरप्रेन्योर। अब देखिए हम डिटेल में बात करें तो ये आपके बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से। आपके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो इसके अंदर मेजर चार टाइप के एंटरप्रेन्योर होते हैं और ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। देखिए सबसे पहले आपका इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर, सेकंड आपका इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर, थर्ड है आपका फैबियन एंटरप्रेन्योर एंड फोर्थ आपका ड्रोन एंटरप्रेन्योर। तो हम इसके बारे में ब्रीफली जान लेते हैं कि अगर आपको कोई भी स्टेटमेंट दे दी गई तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये फैबियन एंटरप्रेन्योर है या ड्रोन एंटरप्रेन्योर है या इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर है या इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर है। तो देखिए इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर की अगर हम बात करें तो नाम से ही क्लियर है कि कोई भी एंटरप्रेन्योर अगर वो इनोवेशन करके मार्केट में कोई नई चीज लेके आ रहे हैं तो उनको क्या कहा जाएगा? इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर। इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर, सो देखिए आपको पता होगा इमिटेटिंग का मतलब क्या होता है, कॉपी करना। तो बेसिकली कोई भी एंटरप्रेन्योर जो भी इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर की कॉपी करके कुछ मार्केट के अंदर नया नहीं ला रहे हैं, बट इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर जो लेके आए हैं उन्हीं की कॉपी करके कुछ नया उसके अंदर चेंजेस करके लेके आ रहे हैं, तो उसको बोला जाता है इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर। थर्ड है आपका फैबियन एंड ड्रोन एंटरप्रेन्योर। तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स इन दोनों के बीच में कंफ्यूज रहते हैं कि फैबियन एंटरप्रेन्योर क्या होता है और ड्रोन एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें फैबियन एंटरप्रेन्योर की तो ये दोनों के दोनों फैबियन एंड ड्रोन बहुत ही कंजर्वेटिव होते हैं, कोई भी मार्केट के अंदर चेंजेस नहीं लेके आते हैं। बट देखिए फैबियन एंटरप्रेन्योर चेंजेस तभी लेके आते हैं जब बहुत ज्यादा खतरा बढ़ जाता है और उनको लगता है कि अगर हम मार्केट के अंदर चेंजेस अब नहीं लेके आए तो यहाँ पे उनका लॉस इनकर होने लग जाएगा।
दैट इज अगर उनको डर लगने लग जाता है कि अगर अब हम चेंजेस नहीं लेके आए तो अब हमारा लॉस होने लग जाएगा, तब इस स्टेज पे आके फेबियन एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, चेंजेस लेके आने लग जाते हैं। बट ड्रोन एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, यहाँ पे बिल्कुल भी वो कभी भी चेंजेस लेके आते नहीं है, चाहे उनका कितना भी लॉस हो जाए। ओके, तो यहाँ पे ड्रोन एंटरप्रेन्योर आपके कौन होंगे, जो डाई हार्ड कंजर्वेटिव होते हैं, दैट इज वो कभी भी चेंजेस लेके आते ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हमने डिटेल में डिस्कस किया इनके बारे में, आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की थ्योरीज पे आते हैं। अगर हम बात करें एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरीज की, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा फैक्चुअल है ये, बट आपको याद रखना होगा, बिकॉज यहाँ पे भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये वाली थ्योरी किसने डेवलप की थी, तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा। देखिए अगर हम बात करें सोशियोलॉजिकल थ्योरी की, तो इसको किसने दिया था, मैक्स वेबर ने। तो देखिए मैक्स वेबर की जो थ्योरी थी उसको रिलीजियस थ्योरी भी कहा जा सकता है इसके अंदर, बिकॉज यहाँ पे मैक्स वेबर का कहना ये था कि जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है उस पर रिलीजन का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। ओके, इकोनॉमिक थ्योरीज, तो इकोनॉमिक थ्योरी किसने दी, स्कम्प्टर थ्योरी ऑफ इनोवेशन। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली किसने दी इकोनॉमिक थ्योरी, स्कम्प्टर ने। कल्चरल एंड एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी, तो देखिए यहाँ पे कल्चरल थ्योरी किसने दी है, बी एफ हॉस्लिट। अगला है आपका साइकोलॉजिकल थ्योरी, तो यहाँ पे आपके तीन थ्योरी आ जाएंगे साइकोलॉजिकल थ्योरी के अंदर, पर्सनैलिटी थ्योरी, मैक्सिलेंट नीड फॉर अचीवमेंट थ्योरी एंड लोकस ऑफ कंट्रोल थ्योरी। तो यहाँ पे आपकी बेसिकली तीन थ्योरी आ जाएंगी इसके अंदर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी, तो यहाँ पे आपके पास दो थ्योरी हैं, दैट इज पीटर डकर की थ्योरी है और हॉवर्ड स्टेवेंसन की थ्योरी है। ओके, रिसोर्स बेस्ड थ्योरी की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे तीन चीजें हैं, फाइनेंशियल, सोशल एंड ह्यूमन। तो देखिए अगर हम सबसे पहले आते हैं मैक्स वेबर की रिलीजियस थ्योरी पे, अगर हम बात करें मैक्स वेबर रिलीजियस थ्योरी की, तो देखिए यहाँ पे बेसिकली मैक्स वेबर कौन थे, आपके जर्मन सोशियोलॉजिस्ट। ओके, और इन्होंने कहा क्या था, देखिए इन्होंने ये कहा था कि रिलीजन का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पे। ओके, तो मैक्स वेबर का ये कहना था कि किसी भी कंट्री के अंदर कोई भी रिलीजन है तो उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। ओके, तो अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि कौन सी एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी के अंदर ये कहा गया है कि रिलीजन का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है किसके ऊपर, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, तो आपको यहाँ पे क्या टिक करना है, मैक्स वेबर थ्योरी। ओके, आपके पास तीन चार ऑप्शन दिए जा सकते हैं, मैक्स वेबर थ्योरी, लोकस ऑफ कंट्रोल थ्योरी, पीटर एफ डेकर की थ्योरी, तो यहाँ पे आप इजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपको यहाँ पे क्या टिक करना है, मैक्स वेबर की थ्योरी। आगे बढ़ते हैं ग्रेट मैन थ्योरी, तो देखिए ग्रेट मैन थ्योरी आपको लीडरशिप में भी आपने पढ़ा होगा, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर, वहां पे क्या कहा गया है कि जो लीडर्स होते हैं वो बॉर्न होते हैं ना कि बनाए जाते हैं, दैट इज अगर कोई भी लीडर बना है तो यहाँ पे उसके पास जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं वो बाय बर्थ हैं, यहाँ पे उसने बर्थ लेने के बाद कोई भी ट्रेट्स जो है वो एक्वायर नहीं करी है। ओके, तो यही चीज यहाँ पे ग्रेट मैन थ्योरी के अंदर कही गई है कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो बॉर्न होते हैं ना कि बनाए जाते हैं। ओके, दैट इज अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर बना है तो यहाँ पे उसके पास बचपन से ही कुछ करेक्टर्स होंगे जिसके थ्रू, जिसकी हेल्प से वो एंटरप्रेन्योर आज बन पाए। अगली थ्योरी आपकी मिसफिट थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि कोई भी एंटरप्रेन्योर है वो एंटरप्रेन्योर कब बनता है, जब वो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फिट नहीं हो पाता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, मिसफिट इंडिविजुअल्स अटेम्प्ट टू स्टार्ट वेंचर्स बिकॉज दे डू नॉट शेयर द डोमिनेंट कल्चरल वैल्यूज। तो यहाँ पे बेसिकली कोई भी इंडिविजुअल है अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है, यहाँ पे वो सेटिस्फाइड नहीं है उस ऑर्गेनाइजेशन से, यहाँ पे वो फिट नहीं हो पा रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो क्या करेगा, अपना खुद का नया वेंचर स्टार्ट करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे उस टाइप की एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी को क्या कहा जाता है, मिसफिट थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अगला है आपका जोसेफ सुम्पीटर थ्योरी, तो यहाँ पे क्या बोला गया, एंटरप्रेन्योरशिप को डिफाइन किया गया एज अ इनोवेटर। ओके, दैट इज यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि कोई भी इनोवेटर है वो क्या होगा, एंटरप्रेन्योर भी होगा। ओके, अगला है आपका बी एफ हॉस्लिट की थ्योरी, तो यहाँ पे क्या बोला गया, देखिए यहाँ पे एंटरप्रेन्योर को डिफाइन किया गया है कि कोई भी पर्सन जो सोशली मार्जिनलाइज्ड ग्रुप से आता है, दैट इज यहाँ पे देखिए कोई भी आपके मारवाड़ीज हो गए, पारसी हो गए, तो इनको बोला गया कि ये एंटरप्रेन्योरशिप में इनके ज्यादा चांसेस होते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर स्टार्ट करेंगे। ओके, अगली थ्योरी आपकी मैक्सिलेंट थ्योरी ऑफ नीड फॉर अचीवमेंट, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके पास हाई लेवल ऑफ नीड फॉर अचीवमेंट होता है, दैट इज वो लाइफ में कुछ हाई लेवल का अचीव करना चाहते हैं तभी वो कुछ इनोवेटिव करके एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर स्टार्ट करते हैं। लोकस ऑफ कंट्रोल थ्योरी में क्या कहा गया है कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके पास इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है, तो अभी हमने डिस्कस किया था कि इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है एंड एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है। सो देखिए इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब ये होता है कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो ये बिलीव करते हैं कि वो एनवायरमेंट को इंपैक्ट कर सकते हैं, ना कि एनवायरमेंट या एक्सटर्नल फोर्सेस उनको इंपैक्ट कर सकता है। ओके,
अगली थ्योरी आपकी पीटर डकर की थ्योरी। तो इसके अंदर क्या बोला गया, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ नया ढूंढते रहते हैं मार्केट के अंदर, और उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्ड करते हैं, और जो अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है मार्केट के अंदर उसको ग्रैब कर लेते हैं। ओके, अगला है आपका हॉवर्ड स्टेवेंसन की थ्योरी। इसके अंदर क्या बोला गया है कि आपकी रिसोर्सफुलनेस होती है एंटरप्रेन्योरशिप के पास, और वो अपॉर्चुनिटी को अचीव करना चाहते हैं जो भी उनके पास एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस है उसके थ्रू ही। ओके, नाउ एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोसेस क्या होता है, देखिए सबसे पहले आपको डिस्कवरी करनी होती है, दैट इज कि क्या अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है मार्केट के अंदर। सेकंड, उसके बाद आपको क्या करना है, कोई भी बिजनेस प्लान आपको डेवलप करना होता है, आपको रिसोर्सिंग करनी होती है। रिसोर्सिंग क्या, आपको यहाँ पे कौन कौन से रिसोर्सेज की नीड होगी उसको आपको अरेंज करना होता है, कंपनी को मैनेज करना होता है, और हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का क्या मतलब है, जो भी आपने काम किया है उससे जो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है उसको आप फाइनली अर्न कर रहे हैं। ओके, अगला टॉपिक है आपका कैरल मुरी मॉडल। सो देखिए, अगर हम बात करें कैरल मुरी मॉडल की, तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से, बट इसको हम एक बार ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें एंटरप्रेन्योरशिप की, तो यहाँ पे चार स्टेजेस मेजर इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहला होता है आपका इनोवेशन, सेकंड होता है आपका ट्रिगरिंग इवेंट, थर्ड होता है आपका इंप्लीमेंटेशन, एंड फोर्थ होता है आपका ग्रोथ। नाउ अब यहाँ पे इस मॉडल के अंदर क्या बताया गया है, देखिए इस मॉडल के अंदर ये बताया गया है कि इनोवेशन स्टेज पे आपको कौन कौन से फैक्टर आपको इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, ट्रिगरिंग इवेंट के स्टेज पे कौन कौन से फैक्टर आपको इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, इंप्लीमेंटेशन स्टेज पे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, और ग्रोथ के स्टेजेस पे। ओके, तो देखिए अगर हम बात करें इनोवेशन स्टेज की, तो यहाँ पे आपके पर्सनल फैक्टर्स, देखिए आप एरो को ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपके पर्सनल फैक्टर्स और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं आपके इनोवेशन स्टेज में। देखिए पर्सनल फैक्टर्स आपको कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, आपका लेवल ऑफ अचीवमेंट क्या है, लोकस ऑफ कंट्रोल कैसा है आपका, इंटरनल है कि एक्सटर्नल है, आपको कोई एम्बिग्यूटी तो नहीं है, टॉलरेंस लेवल क्या है आपका, रिस्क टेकिंग एबिलिटी क्या है आपकी, पर्सनल वैल्यूज, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, ये सारे आपके पर्सनल फैक्टर्स इनोवेशन को इफेक्ट करते हैं। सेकंड होता है आपका इन्वायरमेंट, आपका इन्वायरमेंट कैसे इफेक्ट कर रहा होता है आपके इनोवेशन को। सो देखिए इन्वायरमेंट के अंदर आपके पास अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है कि नहीं है, रोल मॉडल्स क्या है आपके, दैट इज आप किसके बेसिस पे, दैट इज आपके मान लीजिए आपका कोई भी रोल मॉडल हो सकता है कि अगर इस बंदे ने यहाँ पे अचीवमेंट करी है तो मैं भी ऐसा कुछ कर सकता हूँ। ओके, क्रिएटिविटी कितनी है आपके पास, तो ये सारी चीजें आपको इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं इनोवेशन के स्टेज पे। ऐसे ही अगर हम बात करें ट्रिगरिंग इवेंट की, तो यहाँ पे कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं और पर्सनल फैक्टर्स होते हैं, इंप्लीमेंटेशन स्टेज पे भी आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स प्लस पर्सनल फैक्टर्स। ओके, तो देखिए यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हैं हर एक स्टेज पे कुछ फैक्टर्स अलग अलग ऐड हो जाते हैं और कुछ फैक्टर्स हट जाते हैं। ओके, बट देखिए इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हमेशा कॉमन रहते हैं, बट इन्वायरमेंट के अंदर भी विद इन इन्वायरमेंट कुछ फैक्टर्स चेंज हो जाते हैं और कुछ फैक्टर्स सेम रहते हैं। तो आप इसको एक बार देख सकते हैं, ओवरव्यू आपको लेना है, डिटेल में आपको नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पे एग्जाम के अंदर इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। तो बहुत बेसिक सी चीजें हैं, देखिए एंटरप्रेन्योरशिप में हमेशा आप वही ऑर्गेनाइजेशन या वही काम स्टार्ट करते हैं जो भी आपको पसंद होता है, आपके पास इंडिपेंडेंस होती है, फ्रीडम होता है, रिकॉग्निशन मिलता है आपको, सेल्फ फुलफिलमेंट, दैट इज आपकी खुद की सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा इसके अंदर होती है। ओके, इनकम पोटेंशियल भी होता है, अगर आप ज्यादा अच्छा काम करेंगे तो हो सकता है एंटरप्रेन्योरशिप जो वेंचर है आपका वो काफी ज्यादा अच्छा सक्सेस कर जाए और बहुत ज्यादा उसकी जो इनकम पोटेंशियल है वो काफी ज्यादा बढ़ जाए। जैसे कि आपको पता होगा बायजूस के बारे में, सो देखिए छोटा सा स्टार्टअप था बट आज ये बहुत बड़ी प्रॉफिटेबल कंपनी बन चुकी है, आप खुद के बॉस होते हैं। इनोवेशन, देखिए आप कंटिन्यूअस इनोवेशन की प्रैक्टिस करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। ओके, एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट क्या होती है, देखिए एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट का मतलब ये होता है कि आप चेंजेस को एडॉप्ट नहीं करते हैं बल्कि मार्केट के अंदर चेंजेस को लेके आते हैं। दैट इज एंटरप्रेन्योर क्या करता है, यहाँ पे मार्केट के अंदर जो भी चेंजेस आ रही हैं उसको एडॉप्ट करने की बजाय यहाँ पे मार्केट के अंदर वो चेंजेस को लेके आते हैं। ओके, अगला है आपका एंटरप्रेन्योरशिप जूडो। तो एंटरप्रेन्योरशिप जूडो क्या कहता है, देखिए यहाँ पे ना जो एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट है, एंटरप्रेन्योरशिप जूडो है, तो ये बेसिक छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, तो आप इसको याद रखिए इन डेफिनेशंस के अंदर क्या क्या चीजें बोली गई हैं। आपसे डायरेक्टली पूछा भी जा सकता है कि यहाँ पे इसका क्या मतलब है। ओके, आपको कोई स्टेटमेंट दे दी गई, आपसे पूछ लिया गया कि ये एंटरप्रेन्योरशिप जूडो को डिफाइन कर रहा है या एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट को डिफाइन कर रहा है, तो आप इसको आइडेंटिफाई कर पाए इजिली। ओके, देखिए एंटरप्रेन्योरशिप जूडो कहता क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप जूडो ये कहता है कि आपके पास जितने भी रिसोर्सेस हैं आप उस रिसोर्स कंस्ट्रेंट को मत देखिए, उस रिसोर्स के बेसिस पे ही आप जितनी अपॉर्चुनिटी को आप ड्राइव कर सकते हैं दैट इज अचीव कर सकते हैं,
आप उन रिसोर्स कंस्ट्रेंट के थ्रू ही आप उसको अचीव करने की कोशिश कीजिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, एंटरप्रेन्योरशिप जुड़ेज अपॉर्चुनिटी ड्राइवन रिगार्डलेस ऑफ द फर्म रिसोर्स कंस्ट्रेंट। तो यहाँ पे बेसिकली फर्म के पास रिसोर्स कंस्ट्रेंट है, आप उसको ध्यान मत दीजिए, आपके पास जितने रिसोर्सेस हैं आप उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कीजिए और जो भी अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है मार्केट के अंदर आप उसको ग्रैब कीजिए। ओके, चलिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से, बट एक बार ब्रीफली इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए, सो बेसिकली यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का मतलब क्या है, देखिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी पर्सन है या कोई भी इंडिविजुअल है उसके अंदर स्किल्स डेवलप करना सो दैट वो कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर या कोई नया वेंचर स्टार्ट कर पाए। ओके, सो देखिए इसका क्या मतलब होता है, इंप्रूविंग स्किल्स नॉलेज बेस ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स थ्रू ट्रेनिंग एंड अदर प्रोग्राम्स। सो देखिए यहाँ पे हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, उनके लिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जा सकता है, उसको डेवलप किया जा सकता है। ओके, इसका प्रोसेस क्या होता है, देखिए आपके पास एक क्लियर व्यू होना चाहिए या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए उस प्रोग्राम का, पोटेंशियल टारगेट आपके कौन कौन से एंटरप्रेन्योर्स है उनको डेवलप करना है, कौन कौन से पर्सन है वो टारगेट आपका डिफाइंड होना चाहिए। ओके, लोकल टैलेंट क्या है मार्केट के अंदर आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे, राइट लोकेशन होनी चाहिए आपके पास, आप इंस्टीट्यूशन के साथ टाई अप कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम लॉन्च कर सकते हैं एंड रिजल्ट को एनालाइज करेंगे सो देट आप उसके अंदर कोई भी फ्यूचर डेवलपमेंट किया जा सकता है तो वो भी किया जाए। ओके, एंटरप्रेन्योरशिप कॉम्पिटेंसी बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ कैरेक्टर्स दिए गए हैं कि यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप के सक्सेस के लिए ये कैरेक्टर्स एंटरप्रेन्योर के अंदर होने चाहिए, जैसे कि वो इनिशिएटिव होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी को देख पाए और उसके अकॉर्डिंग वो एक्ट कर पाए, एफिशिएंसी ऑपरेशन होना चाहिए, सिस्टमैटिक प्लानिंग, परसिस्टेंस, इंफॉर्मेशन सीकिंग, हाई क्वालिटी वर्क, कमिटमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस, असर्टिवनेस, परस्यूसिवनेस, लीडरशिप, मॉनिटरिंग, कंसर्न फॉर एम्प्लॉई वेलफेयर, ये सब कुछ कैरेक्टर्स है ये होने चाहिए। ओके, नाउ स्टेप्स क्या क्या हैं एंटरप्रेन्योरशिप कॉम्पिटेंसीज को डेवलप करने के अंदर। सो देखिए अगर हम बात करें एंटरप्रेन्योरशिप कॉम्पिटेंसी डेवलप करने की तो यहाँ पे क्या क्या मेजर स्टेप्स हैं, तो सबसे पहला है कॉम्पिटेंसी आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ पे हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें क्या क्या कॉम्पिटेंसी डेवलप करनी है बेसिकली किसी भी एंटरप्रेन्योर के अंदर। ओके, सेकेंड है कॉम्पिटेंसी असेसमेंट। देखिए अभी तो हमने आइडेंटिफाई किया हमें क्या क्या कॉम्पिटेंसी डेवलप करनी है एंटरप्रेन्योर्स के अंदर, और अब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या क्या कॉम्पिटेंसी ऑलरेडी अवेलेबल है किसी भी पर्सन के अंदर जिसके अंदर हमें एंटरप्रेन्योरशिप कॉम्पिटेंसी डेवलप करनी है। थर्ड है कॉम्पिटेंसी मैपिंग, इसके अंदर हम क्या करेंगे, देखिए जो हमने आइडेंटिफाई किया है कि हमें क्या क्या कॉम्पिटेंसी डेवलप करनी है और जो हमने देखा है कि क्या क्या कॉम्पिटेंसी हमारे पास अवेलेबल है, इन दोनों को मैच किया जाता है सो दैट हम ये आइडेंटिफाई करें कि किस चीज की शॉर्टेज है, हमें और क्या क्या एडिशनल चीजें डेवलप करनी पड़ेंगी। अगला है डेवलपिंग इंटरवेंशन, और उसके बाद जो जो गैप्स हमें मिलते हैं कि यहाँ पे इस पर्सन के अंदर हमें ये चीजें डेवलप करनी है वो चीज हम डेवलप करते हैं। ओके, आप इसको ब्रीफली रीड कर सकते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से, बट आप इसके अंदर स्टेप्स को याद रखिए। देखिए सबसे पहले कॉम्पिटेंसी आइडेंटिफिकेशन, सेकेंड है कॉम्पिटेंसी असेसमेंट, थर्ड है कॉम्पिटेंसी मैपिंग एंड फोर्थ है डेवलपिंग इनोवेशन। देखिए आपसे स्टेप्स भी पूछे जा सकते हैं तो आप इसको याद रख सकते हैं। ओके, चार स्टेप्स हैं इसके। अगला है आपका इंट्रापेन्योर। सो देखिए अभी तक हमने बात की एंटरप्रेन्योर्स की, अब हम बात करेंगे इंट्रापेन्योर्स की। सो देखिए एंटरप्रेन्योर क्या होता है और इंट्रापेन्योर क्या होता है। कोई भी एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो अपने रिसोर्सेज को अरेंज करता है, कोई भी अपॉर्चुनिटी को देखता है और उसके बेसिस पे यहाँ पे उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी वेंचर एस्टेब्लिश करता है। इंट्रापेन्योर क्या कहते हैं, देखिए इंट्रापेन्योर किसी भी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क करते करते कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली एंटरप्रेन्योर जो होते हैं उनके पास सारा का सारा रिस्क खुद के साथ होता है, बट इंट्रापेन्योर जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क करते करते ही कुछ नया डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके पास रिस्क जो होता है वो हाई लेवल का होता है, बट इंट्रापेन्योर के अंदर थोड़ा सा कम रिस्क होता है। ओके, बट रिस्क इसके अंदर भी ज्यादा होता है, बिकॉज अगर कोई भी इंट्रापेन्योर ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को यूज करके कुछ नया डेवलप कर रहा है और उसके अंदर वो फेल हो जाता है तो यहाँ पे उसको ऑर्गेनाइजेशन से निकाला भी जा सकता है, बिकॉज यहाँ पे ये माना जाएगा कि उसने ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को वेस्ट किया है। ओके, एंटरप्रेन्योरशिप और इंट्रप्रेन्योरशिप का आप डेफिनेशन अच्छे से करके जाइए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से। देखिए एंटरप्रेन्योरशिप हैज टू सेट अप द एंटायर बिजनेस फ्रॉम द ग्राउंड अप, सारा ग्राउंड से लेके अब तक सारा का सारा एंटरप्रेन्योर को ही सेटअप करना होता है। इंट्रप्रेन्योर क्या करता है, कैपिटल और रिसोर्सेस जो भी ऑर्गेनाइजेशन को होते हैं, जो भी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस हैं उसी को यूज करता है। ओके, एंटरप्रेन्योर कम अप विद द कैपिटल हिमसेल्फ,
एंटरप्रेन्योर जो भी एक कैपिटल सारा खुद ही लेके आता है, बट एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, जो भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसके रिसोर्सेस को यूज करते हैं. ओके, नाउ ऑपरेट फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेट फ्रॉम इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. एंटरप्रेन्योर यूजेस हिज ओन रिसोर्सेस और एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को यूज करते हैं. रिस्क कौन बोर्न करते हैं यहाँ पे, एंटरप्रेन्योर खुद ही करते हैं, और यहाँ पे बेसिकली रिस्क कौन बियर करता है, कंपनी बियर करती है. ओके, चलिए अगला टॉपिक है आपका वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप. सो देखिए वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की अगर हम बात करें तो आपको बेसिक डेफिनेशन में नहीं जाना है. वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप नाम से ही क्लियर है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी वेंचर अगर वुमेन स्टार्ट कर रही है तो उसको क्या बोला जाएगा, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप. अब देखिए इसकी एक डेफिनेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी दिया, वो क्या बोला गया इसके अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफाइंड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एज एन एंटरप्राइज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय वुमेन हैविंग मिनिमम फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ 51%. ओके, तो मिनिमम फाइनेंशियल इंटरेस्ट वुमेन्स का कितना होना चाहिए किसी भी वेंचर के अंदर, 51%. एंड 51% जो भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जा रही है वो किसको होनी चाहिए, वुमेन्स को होनी चाहिए, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन या वेंचर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के डेफिनेशन के अंदर आएगा. देखिए यहां पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का दर्जा मिलने से उसको बेनिफिट क्या क्या होगा. देखिए वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की अगर हम बात करें तो उसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, तो यहाँ पे उनको इजिली लोन भी मिल सकता है गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू. ओके, तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की प्रॉब्लम्स क्या क्या है. देखिए सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि पेट्रियार्कल ऑर्डर हमारी सोसाइटी के अंदर, दैट इज मेल डोमिनेट सोसाइटी है. यहाँ पे हम ये सोच के चलते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी वेंचर है उनको मेल अच्छे से संभाल सकते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स. सेकेंड है स्केप्टिकल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो भी प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो जल्दी लोन्स भी नहीं प्रोवाइड करते हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को. ओके, लैक ऑफ एक्सेस टू एक्सटर्नल फंड्स, तो इसकी वजह से बेसिकली एक्सटर्नल फंड की शॉर्टेज हो जाती है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को. वुमेन फैमिली ऑब्लिगेशंस, तो फैमिली ऑब्लिगेशंस भी होते हैं वुमेन्स के पास. इंटरेस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स भी नहीं होता. मेल फीमेल कॉम्पिटिशन, नॉलेज ऑफ ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल, लिटरेसी रेट, लो लेवल ऑफ रिस्क टेकिंग एटीट्यूड, तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की इंडिया के अंदर. आगे बढ़ते हैं. नाउ अब हम बात करते हैं स्कीम्स क्या क्या है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए. तो देखिए अगर हम देखें तो यहाँ पे 13.76% ऑफ द टोटल एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया आर वुमेन. सो देखिए आउट ऑफ 100% एंटरप्रेन्योर्स ओनली 13.76% कितनी कौन है, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है. तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज यहाँ पे देखिए आप कह सकते हैं कि रेशियो कितना ज्यादा इम्बेलेंस है, 100% में से ओनली 13.76% वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है इंडिया के अंदर. सो उनको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स आती हैं जो कि लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करते हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को. तो देखिए सबसे पहली स्कीम है आपकी अन्नपूर्णा स्कीम. अन्नपूर्णा स्कीम के अंदर क्या करता है, 50,000 रुपीज तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है अगर कोई भी वुमेन एंटरप्रेन्योर फूड या कैटरिंग बिजनेस के अंदर अपना स्टार्टअप लेके आ रहे हैं. ओके, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपको स्कीम्स की डिटेल के अंदर नहीं जाना है. अगर आप स्कीम्स की डिटेल के अंदर जाएंगे तो यहाँ आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा कि आप उसको याद रख पाए. तो आप बस ये याद रखें कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए मेजर स्कीम्स कौन कौन सी हैं. तो सबसे पहले आपका अन्नपूर्णा स्कीम, सेकेंड आपका स्त्री शक्ति पैकेज फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स. ओके, तो ये तो नाम से ही क्लियर है कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए है. थर्ड आपका मुद्रा योजना स्कीम. ओके, नाउ फोर्थ है आपका महिला उद्यम निधि स्कीम. फिफ्थ आपका उद्योगनी स्कीम. तो आप इनके नाम को अच्छे से याद रखिए, सो दैट आपसे मान लीजिए कोई भी चीजें पूछ ली गई कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए इनमें से कौन कौन सी स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लॉन्च की गई हैं, तो आप इसके अंदर आइडेंटिफाई कर पाए. ओके, अब इसके अंदर आपको हो सकता है आपके पास 3 से 4 स्कीम्स वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए हो और 2-3 स्कीम्स अदर चीजों को प्रमोट करने के लिए हो, तो आप उसके अंदर आइडेंटिफाई कर पाए कि इनके अंदर से ये वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए है, बाकी स्कीम्स अदर चीजों के लिए है. ओके, चलिए रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, तो एक और नया इमर्जिंग ट्रेंड है कौन सा, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप का. इसके अंदर क्या बोला गया है कि बेसिकली रूरल एंटरप्रेन्योर्स होते कौन कौन है. जो भी पर्सन किसी भी रूरल एरिया के अंदर कोई नया वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं उनको क्या कहा जाएगा, रूरल एंटरप्रेन्योर. नाउ रूरल एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत है क्यों हमें, बिकॉज देखिए यहाँ पे हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है रूरल एरियाज के अंदर, तभी लोग माइग्रेट होकर अर्बन एरियाज के अंदर आ जाते हैं इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो उसको रिड्यूस करना है. यहाँ पे बेसिकली एम्प्लॉयमेंट जो है वो रूरल एरियाज में भी प्रोवाइड की जा सके, सो दैट यहाँ पे बेसिकली जो हाई लेवल ऑफ माइग्रेशन हो रहा है फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज उसको कंट्रोल किया जा सके. ओके, अगला है रिड्यूस इनकम डिस्पैरिटीज.
तो यहाँ पे इनकम डिस्पैरिटी भी बहुत ज्यादा है, इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है अर्बन एरियाज में एंड रूरल एरियाज में। तो उसको कंट्रोल करने के लिए रूरल एंटरप्रेन्योरशिप का स्टार्ट होना बहुत जरूरी है। रिड्यूस द नंबर ऑफ माइग्रेंट फ्रॉम द रूरल टू अर्बन एरियाज, तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, अब ऐसा भी ना हो कि एक जगह बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है और एक जगह डेवलपमेंट बिल्कुल ही नहीं है, तो इन दोनों का बैलेंस डेवलपमेंट होना चाहिए। तो इसके लिए रूरल एंटरप्रेन्योरशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। टू बिल्ड अप विलेज रिपब्लिक्स, विलेज रिपब्लिक्स को डेवलप करने के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरत है इसकी। प्रिजर्व द हेरिटेज ऑफ कंट्री थ्रू आर्ट एंड क्रिएटिविटी, तो और यहाँ पे हम कंट्री के हेरिटेज और कल्चर को भी प्रिजर्व करके रख सकें। नाउ चैलेंजेस क्या क्या होते हैं, तो देखिए यहाँ पे थोड़ी सी कॉमन चैलेंजेस होते हैं वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के बीच में और रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के बीच में, दैट इज यहाँ पे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट दोनों के बीच में होता है। ओके तो देखिए लैक ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टाइज, टेक्निकल एक्सपर्टाइज थोड़ा कम होता है रूरल पीपल के बीच में एज कम्पेयर टू अर्बन पीपल। ओके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट होते हैं, लैक ऑफ ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, तो यहाँ पे देखिए हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा तो यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं रूरल एंटरप्रेन्योर्स, यहाँ पे अगर वो कोई भी चीज सेल करना चाहेंगे हाई कॉस्ट पे तो वो बिक नहीं पाएगी। तो यहाँ पे जो उनका कॉम्पिटिशन होता है रूरल एंटरप्रेन्योर्स का अर्बन एंटरप्रेन्योर्स के साथ, तो इसके अंदर रूरल एंटरप्रेन्योर्स कॉम्पिटिट नहीं कर पाते हैं अर्बन एंटरप्रेन्योर्स के साथ। एक्सपेंसिव क्वालिटी कंट्रोल, देखिए क्वालिटी कंट्रोल के जो मेजर्स लगाए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये भी सेटअप करने के लिए हाई कॉस्ट लगती है, तो वो भी सेटअप नहीं हो पाता है, रूरल एंटरप्रेन्योर्स नहीं सेट कर पाते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ओके तो उनके लिए कॉम्पिटिट करना बेसिकली अर्बन ऑर्गेनाइजेशन से या लार्ज कॉर्पोरेशन से कॉम्पिटिट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। स्टोरेज एंड वेयरहाउस इश्यू भी होते हैं यहाँ पे, लैक ऑफ मार्केटिंग एंड प्रमोशनल स्ट्रेटजी, तो देखिए यहाँ पे रूरल एंटरप्रेन्योर पूरी मार्केटिंग भी नहीं कर पाते अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की। लो लेवल ऑफ एजुकेशन, नाउ यहाँ पे आपको एक केस गिवन है कैलाश काटकर का, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि कैलाश काटकर बेसिकली जिन्होंने क्विक हेयर इंडस्ट्रीज को फाउंड किया, यहाँ पे ये 10th में इन्होंने अपनी स्टडीज को ड्रॉप कर दिया था, इसके बाद इन्होंने कैलकुलेटर शॉप में काम करना शुरू किया और धीरे धीरे बिकॉज यहाँ पे इनका माइंड इनोवेटिव था तो उन्होंने एक नया वेंचर स्टार्ट किया और आज वो वेंचर बहुत ज्यादा सक्सेस कर चुका है और उसका नाम क्या है, क्विक हेयर टेक्नोलॉजीज। तो आपको उसके बारे में पता ही होगा, क्विक हील टेक्नोलॉजी के बहुत सारे कंप्यूटर प्रोडक्ट्स आते हैं, आपको एंटीवायरस के बारे में पता ही होगा, तो ये सब चीजें थी। ओके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ फर्दर टॉपिक्स को कवर करेंगे, तो आप मस्त बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।